हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं ब्रिजेश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से चैनल ब्रिज व्यू में। और दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में है ये है कैनन का एक बड़ा ही प्यारा बड़ा ही लेटेस्ट कैमरा, जिसने आजकल मार्केट में धूम मचाई हुई है और आपके मेरे जैसे यूट्यूबर्स की पहली पसंद बन गई है ये कैमरा। और अभी रिसेंटली मैंने इसको फ्राइडे को परचेज किया था और सैटरडे को मेरे ऑफिस में ये डिलीवर हुआ है। तो ये कहानी कल की है और कुछ और चीजें हैं, तो मैं आपको पीछे स्टोरी में ले चलता हूँ। और ये वीडियो छोटा सा एक व्लॉग है, इसका एंजॉय करिए। और जो दोस्त अभी तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं ये सोचकर कि मैं इसमें इस कैमरे को बहुत डिटेल में रिव्यू करूंगा, तो दोस्तों सॉरी है आपसे। मैं अभी इस कैमरे को पहले सीखूंगा, क्योंकि मैं लाइफ का सबसे पहला कैमरा है, तो मुझे पता ही नहीं है कि DSLR को कैसे अच्छे से ऑपरेट करते हैं। वैसे मैंने कई कैमराज वगैरह यूज किए हैं, लेकिन मतलब अभी कोई बहुत मैं कैमरे का बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान नहीं हूं, तो मैं थोड़ा इस कैमरे को जानने मुझे टाइम लगेगा दोस्तों, तो माफ करिएगा। अगले वीडियो में मैं इसको फुल रिव्यू दूंगा। अभी फिलहाल चलिए चलते हैं, छोटी सी एक स्टोरी है इससे जुड़ी हुई और उसको एंजॉय करते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं अपना हर दिन अपने लाइफ का अंतिम दिन की तरह जीता हूं, लेकिन आज का दिन बड़ा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि अपनी लाइफ में सबसे पहली बार मैंने एक कैमरा परचेज किया है, कोई भी प्रॉपर कैमरा। ये मेरा पहला कैमरा है जो कि मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। संडे को मैंने ऑर्डर किया था और ये आज मेरे ऑफिस में डिलीवर होने वाला है। और आज एक और एक्साइटिंग चीज हो रही है मेरी लाइफ में। दोस्त जो मेरा एक छोटा भाई है, जो मेरा दोस्त ज्यादा और भाई कम है, विक्रम नाम है उसका, वो आज यहाँ दिल्ली आ रहा है शाम की फ्लाइट से, तो कल का पूरा दिन हम साथ में स्पेंड करेंगे। उसके बाद परसों उसको बड़ोदरा जाना है, तो ये प्रोग्राम है आज का दोस्तों। और मैं आपको शाम तक दिखाता हूँ कि कौन सा कैमरा मैंने परचेज किया है, जो कि DSLR कैमरा है और काफ़ी फेमस कैमरा है। और आप जानते होंगे कि अभी तक मैं अपने एक मोबाइल कैमरे से ही अपने सारी वीडियो शूट करता था, और मेरे पास एक छोटा सा एक्शन कैमरा है वैसे, उसमें तो मैं 10% भी उससे शूट नहीं करता। मेरा मेन जो शूटिंग का पर्पज सॉल्व करता था वो मेरा मोबाइल कैमरा ही था, जो कि लिनोवो P2 का कैमरा है, उसके फ्रंट कैमरे से मैं शूट करता हूँ। तो आगे अब देखिए वीडियो क्वालिटी काफी बेटर होने वाली है दोस्तों। और अब मैं एडिटिंग का काम वैसे भी अभी कोशिश करूंगा कि अपने मोबाइल से ही करूं, क्योंकि एक तो सॉफ्टवेयर बड़े महंगे हैं लैपटॉप वाले, और मुझे थोड़ा अभी समझ में आता नहीं है लैपटॉप पे एडिटिंग। तो अगर इस मोबाइल ने सपोर्ट किया तो ये मैं सारी एडिटिंग आगे के भी अपने मोबाइल पे ही करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिगरस एडिटिंग मैं नहीं करता, नॉर्मल एडिटिंग ही करता हूँ। तो आप सबका सपोर्ट है मेरे साथ, और दोस्तों आपके सपोर्ट के साथ ही मैं अपना ये DSLR कैमरा ले पाया हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। आइए चलते हैं।
मैं ऑफिस से निकला हूँ और अब मैं घर जा रहा हूँ और घर पे मेरा भाई आ चुका है। थोड़ा उसकी फ्लाइट जल्दी आ गई तो हमारा टाइम मैच नहीं कर पाया है। ये बॉक्स है जिसमें ये कैमरा आया था। अब मैं आपको ये ऊट पटांग अनबॉक्सिंग वाले वीडियो नहीं बना रहा कि ये देखो हमने डिब्बा खोला, ये मेरे पास एक बड़ी अच्छी सी सीजर है, मैंने इसको काटा, उसमें से लेंस निकाला, उसमें से DSLR निकाला, ये लगाया, ये सब मैं पचड़े में नहीं पड़ रहा हूँ दोस्तों। बस मैं आपको बेसिक यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका फुल फ्लेज रिव्यू मैं अगले वीडियो में ज़रूर करूँगा दोस्तों। जैसा आपने मुझे कई बार बोला था कि आपको ये अच्छा कैमरा ले लीजिए, तो दोस्तों आप सबका प्यार ही है, मैं ये कैमरा ले पाया।